हेलो। चलिए तो फिर आज हम एक्सरसाइज 4 लेके आ गए हैं, तो इसके लिए हम एज यूजुअल जैसे करते हैं, इंसर्ट में जाके पीडीएफ बंडल ले करेंगे और एक्सरसाइज 4 को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4, इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं पॉलीगॉन। मोस्टली दिस एक्सरसाइज इज मेड फॉर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन कमांड को यूज करके और एरे कमांड यूज करेंगे, पॉलीगॉन कमांड यूज करेंगे और बनाएंगे। तो पहला जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक हेक्सागनल नॉट शेप का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं। पहला सर्कल का रेडियस है 27, फिर दूसरा सर्कल जो है उसको हम लेते हैं 25 रेडियस का, फिर तीसरा सर्कल जो है उसको लेते हैं हम 50। फिर पॉलीगॉन का जो कमांड है POL एंटर करोगे, फिर नंबर ऑफ साइड हम 6 टाइप करेंगे। उसके बाद हम सर्कल का सेंटर में क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब, तो हमें बाहर बनाना है सर्कल का, तो सर्कमस्क्राइब आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या सी एंटर करो। फिर आपको रेडियस पूछेगा, रेडियस हमारा 50 था, ये हमारा शेप आएगा। अब इस टाइप का लाइन टाइप हमें लोड करना है, हिडन टाइप का, ये थ्रेडेड एरिया है इंटरनल थ्रेड, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे बाई लेयर, थर्ड बाई लेयर में अदर में क्लिक करेंगे और लोड में क्लिक करके फिर हम पहला जो ISO डाइस लाइन है उसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं। फिर हम दोनों लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से हम उस लाइन टाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारा ये लाइन टाइप बन गया। अभी यहाँ पर एक कटआउट फॉर्मेशन करना है, तो आप रेंडमली ऐसे दो तो लाइन ले लीजिए और आप ट्रिम कर लो इसको, टी आर डबल एन कर, तो ये आपका सेव फॉर्मेशन हो गया। ओके ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज हो गया हमारा। अब दूसरा हम बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए आप 3 या 4 तरीके यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पर ये दो बड़े ट्राइंगल्स ले सकते हो, ठीक है, जो 30 30 30 90 हो जाएगा, इधर भी 30 30 30 90। तो दो मेथड दिखा रहा हूँ और भी है प्रोसेस। तो पॉलीगॉन का पहले कमांड आप डालो POL एंटर। अब नंबर ऑफ साइड मैंने डाला 3, एंटर करने के बाद अभी मैं यहाँ पर एज मेथड यूज करूँगा, तो ये एंटर करूँगा एज के लिए। फिर यहाँ पर स्क्रीन में क्लिक करके आप ऑर्थो ऑन कर दो। आप राइट साइड में इसको 90 डाला, तो ये एक बना। अब क्या करें, इसको मिरर कर देते हैं। MI एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैंने एंटर किया। अब ये दो पॉइंट को लिया। अभी मैं 2014 यूज कर रहा हूँ, ऑटोकैड 14, इसीलिए मेरे इसको अगर मैं सिलेक्ट करके मूव में जाऊँ तो मुझे यहाँ सेंटर नहीं दिखेगा। अगर आप 19 या मोर देन दैट 15 16 यूज करो, आपको यहाँ सेंटर दिखेगा। तो अभी मेरा सेंटर तो नहीं दिख रहा है पॉलीगॉन का, तो मैं यहाँ पर मैन्युअली इसका सेंटर निकाल दे रहा हूँ। तो दोनों ट्रायंगल का सेंटर आपको निकाल देना है। फिर इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको मूव करना है और इस सेंटर में लेके यहाँ से प्लेस कर देना है। तो ये एक प्रोसेस रहा जिससे हम ये स्टार से फॉर्म कर सकते हैं। अब क्या करें, इन सबको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस रहा। दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, पॉलीगॉन POL एंटर करो, नंबर ऑफ साइड 3 डालो। अब एज के लिए ई एंटर करो, यहाँ क्लिक करके राइट साइड 30 डालो, ये छोटा सा ट्रायंगल बना। अब इसको मिरर करते हैं, MI एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब यहाँ से हमने दो पॉइंट लिया, एंटर किया। अब इसी शेप को हम एरे करेंगे। एरे कमांड मैंने बता रखा है, आप देख लीजिएगा क्लासेस में। तो AR एंटर करेंगे, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होल ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं एंटर। फिर आपको पूछेगा यहाँ पोलर रेक्टेंगुलर पाथ, तो हम कहाँ जाएंगे, पोलर में जाएंगे। पोलर में जाके आप यहाँ पर एंड में क्लिक करो। तो देखो अब इसके चारों तरफ 6 ठो बन गया, आइटम्स डालने का ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दो प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम आते हैं ये हार्ड शेप में। हार्ड शेप के लिए आप क्या करोगे, पहले एक लाइन ले लोगे नॉर्मल, यहाँ पर 14.37 का, ठीक है, लेने के बाद 14.3 है, तो लाइन ले लेते हैं यहाँ से 14.3 का।
फिर आप एक लाइन ले लो सेंटर से नीचे 17.3, गलत किया मैंने, फिर से करता हूँ। लाइन लेके यहाँ से आप 14.37 टाइप करो, फिर यहाँ से आप डालो 17.3। आप सर्कल ले लो, सर्कल लेके यहाँ क्लिक करके यहाँ टच करवा दो, फिर इधर भी क्लिक करके यहाँ टच करवा दो। रेडियस देने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, लाइन लेने के बाद यहाँ से आपको पॉइंट दिखेगा, यहाँ टेंजेंट दिखेगा, क्लिक करो, फिर यहाँ लेके यहाँ क्लिक करो टेंजेंट के साथ। ठीक, अब क्या करें, इन दोनों को यहाँ से टच कर देते हैं, फिर इसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये हो। अब नेक्स्ट, ये जो पाइप कटआउट जिसे सेव है, इसको बनना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये लेना है 85। इधर लेंगे 85, नीचे आप आ जाओ 50, इधर डालेंगे 35। अब 35 कैसे मिला, 85 से माइनस करेंगे 50 तो 35 मिलेगा। या फिर आप इधर ऑफसेट, इधर ऑफसेट करके निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, अब ये 50 है तो ऑफसेट O एंटर, 50 एंटर। आप यहाँ नीचे ऑफसेट करो, इधर ऑफसेट करो, तो 35 डालने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको मिल गया ऐसे सेफ। अब क्या करना है, इसको भी जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है। तरीके बहुत है, आपको शॉर्टेस्ट वे खोजना है। अब यहाँ इलिप्स बनाएंगे, EL एंटर, C एंटर। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे, ऊपर डालते हैं 25 और इधर डालते हैं 10। उसी तरह नीचे का भी इलिप्स, फिर सेंटर के लिए C एंटर, यहाँ क्लिक करके इधर 25 और इधर 10 हो गया। अब इस सबको कनेक्ट कर देते हैं और जो अनवांटेड एरिया है उस सबको हम ट्रिम कर देंगे। अगर आप प्रॉपर डायमेंशन में किए हो तो ड्राइंग जैसे दिख रहा है एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है ना, ठीक है, हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सबको एक पास लाके मैं प्लेस कर देता हूँ। होप सो दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्प यू टू क्रिएट द ड्राइंग वेरी फास्ट विद द क्विकेस्ट मेथड। ऐसा नहीं कि इसी मेथड को फॉलो करो, अगर आपको कोई दूसरा मेथड भी अगर पसंद है आप निकाल सकते हो तो अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से हम नई क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।